यार अब देखो नजारा क्या घटिया चालू हुई है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखो क्या मस्त नजारे हैं। और अभी हमारे आदरणीय गूगल बाबा बता रहे हैं 60 किलोमीटर शेष, टाइम है 1 घंटा 15 मिनट। लेकिन यार नजारे क्या गजब है, और इतनी फ्री रोड है, आराम से 100 पे गाड़ी चली जाती है, नो चिकचिक नो झिकझिक, बहुत आराम से। ये देखो लेफ्ट राइट, और यहाँ अब शायद यार ये नदी भाई बड़ी दिक्कत देती है, पहले तो सतलुज नदी फिर बसपा नदी, अब यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ये नदी कौन सी बह रही है। तो भाई आप लोग ही मतलब सोच लेना यार, पता चले तो मुझे ही बता देना कमेंट्स में कि भाई ये नदी कौन सी है, क्योंकि यार नदियों की मुझे इतनी जानकारी है नहीं और गूगल बाबा तो कुछ बताते नहीं नदी के बारे में। ये देखो सामने यहाँ पूरा, मुझे लगता है ये जब बर्फ का सीजन आता होगा विंटर का, यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ हो जाता होगा। क्या पहाड़ है, कैसे छांट छांट के बना हुआ, इधर पहाड़ इधर पहाड़ और बीच में अपन, उधर बिल्कुल डार्क काले पहाड़। आप पता नहीं आपको इसमें दिख रहे होंगे या नहीं। ये देखो दोस्तों आपको एक नजारा दिखा, क्या जबरदस्त नजारा है, ये देखो क्या पहाड़ है, क्या कटिंग है इसकी, मतलब हुई है या की अब ये नहीं पता, लेकिन नजारा बहुत भयंकर है। इन आंखों के रास्ते में बहुत गजब नजारे आ रहे हैं सच में। दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30 और अभी भी बता रहा है कि लगभग 30 किलोमीटर बाकी। और ये आप नज़ारा देखो यार, क्या ज़बरदस्त पहाड़ है। और नाकोवली में एक्चुअली उधर एंट्री हुई थी घुसने से पहले, वहाँ एंट्री की और बीच में मैंने यार लंच भी कर लिया, बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी दिखा नहीं पाया। अब बचा है 30 किलोमीटर, लेकिन रोड बहुत मस्त है, धुआंधार, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गड्ढे गुड्ढे कुछ नहीं, छोटा छोटा पैच कभी कभी आ जाता है, वैसे सब कुछ एकदम धुआंधार है। और माउंटेन देखो यार कितने भयंकर हैं, अलग ही कटिंग, इनकी डिज़ाइन सब कुछ बिल्कुल अलग। और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30, लगभग देखो 1-1.5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, पहुँच के फिर देखते हैं कोई होटल तो मुश्किल ही होगा, गेस्ट हाउस या होम स्टेज होंगे, देखते हैं कोई अच्छी जगह, फिर हम अपना डेरा डालते हैं और घूमने निकलते हैं धुआंधारी से। देख रहे हो यार ये सीनिक व्यू, क्या जबरदस्त है यार, देख रहे हो यार क्या व्यू है, बिल्कुल गजब व्यू है यार वाकई में। ये देखो आगे कैसे कैसे पहाड़ों काट के रोड बनाई होगी, क्या नजारा है। और शायद ये अब ये नदी कौन सी भाई है मुझे नहीं पता, कोई नदी तो बह रही है खैर। ये देखो यार एक गजब का नजारा, पता नहीं वो कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं, बट बड़ा भयंकर नज़ारा है यार ये। और इस वक्त टाइम हुआ है 1:05, 20 मिनट लगेंगे, अभी भी 13 किलोमीटर और है। देख पा रहे यार क्या नज़ारा, एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन निकाला उसमें से आपको दिखाऊं, क्या नज़ारा यार ये देखो ज़बरदस्त। और बिल्कुल रिमोट एरिया है, यहाँ कोई ना इंसान ना जानवर कुछ भी नहीं है। और वो देखो अपने फेवरेट बर्फ के पहाड़, बहुत गजब नज़ारा। नीचे नीचे आप देख पा रहे हैं नदी बह रही है, एक नदी, कौन सी नदी है भाई ये मत पूछना क्योंकि ये मुझे नहीं पता। गाड़ी पे बैठते हैं और निकलते हैं, चलो
और दोस्तों बस 5 मिनट रह गए हैं और लगभग 2 किलोमीटर रह गया। ये देखो टॉप से क्या नज़ारा दिखता है। बस 5 मिनट बाद यानी 2 किलोमीटर बाद हम नाको में होंगे। इतने टाइम बाद अब गधा दिखा है मुझे। ये तो ना गधा, ना कुत्ता, ना गाय, ना घोड़ा, कोई जानवर नहीं दिख रहा, इंसान ना दिख रहा है यहाँ तो। ये देखो नज़ारा ऊपर। अच्छा ऊपर यार ठंड हो गई है, अब नीचे काफ़ी गर्मी थी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी, यहाँ अब ठंड हो गई है। हाँ जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते जाएंगे और ठंड होती जाएगी। और ये शायद नाको विलेज चालू होने वाला है। यहाँ पर जाऊँगा, रूम लूँगा, चेंज करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे फिर घूमने धुआंधारी से। फाइनली अपन ने यार होटल ले लिया है, होटल में आ गए और होटल का आपको रूम टूर देता हूँ। होटल नहीं है एक्चुअली, गेस्ट हाउस है। होटल तो यहाँ है ही नहीं, फ्रंट में आया, फ्रंट में जितने गेस्ट हाउस थे वो होम स्टे थे सब बुक। ये होम स्टे कह लो, गेस्ट हाउस कह लो, अब रूम देखो मुझे कैसा मिला। गर्म पानी मिल गया और मैं नहा धो लिया, फ्रेश हो गया, आपको रूम टूर देता हूँ। अपना सामान बिखरा पड़ा है पूरा, ये यहाँ, ये सब इधर, ये इधर बिखरा पड़ा है सब, ये इधर टॉयलेट है। और आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर का जरा व्यू देखिएगा, बाहर का व्यू कैसा है इस होटल से। ये देखिए यहाँ इसकी बालकनी कहिए, गैलरी कहिए, ये देखिए यहीं से बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़ धुआंधारी से दिखाई देते हैं। क्या जबरदस्त व्यू है। ये नीचे शायद यहाँ सीढ़ी नुमा यहाँ खेती होती है। और ये गए पहाड़, आसमान, और यहाँ पर तो बस चट्टान ही चट्टान है। वो कुछ ही देर में मैं निकलने वाला हूँ, यहाँ पर है नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक है। कुछ देर में बस वहाँ निकलने वाला हूँ, फिर वहीं पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों फाइनली अपन आ चुके हैं नाको लेक। एक्चुअली ये पास में था यार, मैं तो बाइक लेकर नहीं आया, मैं पैदल पैदल पहिया पहिया ही आ गया। तो आपको दिखाता हूँ नाको लेक का व्यू, भाई इतनी हाइप है ना, क्या है नाको लेक में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है प्रॉपर नाको लेक, ये आपको दिख रहा है, और थोड़ा क्लोज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है नाको लेक, ये है पूरा, ये शायद सर्दियों में पूरा बर्फ से जम जाता है। उसके जस्ट आप देख पा रहे हैं सामने इधर बर्फ के पहाड़, इसका मैं आपको 360 भी दिखाता हूँ। यार ये नाको मोनेस्ट्री पहुंच गया हूँ, दिखाता हूँ आपको मोनेस्ट्री भी और यहाँ का लुक भी। ये देखिए ये रही मोनेस्ट्री, और ये आपको दिखाता हूँ यहाँ का लुक। ये देखिए यहाँ से पूरा बर्फ का पूरा पहाड़, एक एक चीज नजर आती है। ये देखो कंप्लीट व्यू, पूरे पहाड़ बिल्कुल क्लियर मोनेस्ट्री के ऊपर से नज़र आते हैं। आपको जूम में दिखाता हूँ, ये देखो यार क्या व्यू है, ऑसम। और आपको इसका कंप्लीट आगे का दिखा दे, आपको बैक का व्यू दिखाता हूँ पीछे से। ये देखिए पूरा कंप्लीट पीछे का व्यू, ये देखिए पीछे, इसको जूम करता हूँ मैं। ये देखिए पूरा मोनेस्ट्री के पीछे का व्यू कंप्लीट दिखा आपको। और उधर साइड हल्के हल्के बादल, हल्के नहीं काफी गहरे बादल से हो रहे हैं, पक्का वहां बारिश हो रही है। और क्या चमक रहे हैं धूप में सफेद सफेद पहाड़, आखिर यही तो होता है बिल्कुल झकास नजारा।
गया यहाँ पे घूमना फिरना, अब चलते हैं वापस अपने होम स्टे में। यहाँ होटल नहीं है, होम स्टे में चलते हैं, खा पी के सोते हैं और कल का देखते हैं कल का क्या प्लान है। सही, तो मिलते हैं आपको रूम में।